साथियों, आपके ध्यान में ये विषय पहले भी आया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 15 अगस्त के मौके पर इस बार जो हमारे आज़ादी के 75 वर्ष इस बार पूरे होने जा रहे हैं और विद्यार्थी परिषद ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। हमने 3,305 गांव के अंदर तिरंगा झंडा फहराने का अभियान लिया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर के अंदर भी इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर, NCC कैडेट के साथ मिलकर और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है इस बार 1,000+ गांव के अंदर, कश्मीर के अंदर और जम्मू संभाग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो 305 गांव के अंदर हम लोग तिरंगा झंडा फहराने का अभियान लेने वाले हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम की रचना की अगर हम बात करते हैं तो विद्यार्थी परिषद ने पूरे एक कंप्रिहेंसिव तरीके से पूरे जो है इसकी प्लानिंग हमने कर दी गई है। 10 बजे से हमारे ये कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश भर में एक साथ रहेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान जो है वो वंदे मातरम और नेशनल एंथम भी इस कार्यक्रम के दौरान रहेगा। अभी कल हमने इस बार जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद 2 वर्ष कल हम लोगों ने सबने यहाँ सेलिब्रेट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर्षोल्लास के साथ हमने बनाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा बदलाव आया हुआ है। चाहे अगर हम लोग टेररिज्म की बात करते हैं तो किस प्रकार से टेररिज्म इस समय डिक्लाइन की ओर चल रहा है, चाहे स्टोन पेल्टर्स की बात करें, स्टोन पेल्टिंग यहाँ बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो आज जम्मू कश्मीर का युवा भी, जम्मू कश्मीर के लोग भी, जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी भी देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उसी का प्रमाण है कि आज विद्यार्थी परिषद ने एक इतना बड़ा अभियान लिया, एक चैलेंजिंग अभियान हमने लिया हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर के प्रत्येक गांव के अंदर, कम से कम 3,305 गांव के अंदर हम लोग आजादी के 75 वर्ष की इस बार इसको एक हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पर मनाने वाले हैं। और देश की आजादी में कितने लोगों ने हमारे यहां योगदान किया, कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, अपने जाने निछावर की, उनको याद करते हुए, उनके बारे में बताते हुए, आज की युवा पीढ़ी को बताते हुए विद्यार्थी परिषद द्वारा एक अभियान लिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो ये आज़ादी हमको एक लंबे अंतराल के बाद मिली है। भारत 1200 वर्षों तक गुलाम रहा है और उसकी गुलामी के बाद आज हमको ये आज़ादी मिली है और इस आज़ादी के हम आज 75 वर्ष हम लोग जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इस 75 वर्ष को कैसे हम लोग हिस्टोरिकल बना सकते हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत बड़ा अभियान लिया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इस अभियान में समाज के प्रत्येक नागरिक को जुड़ना चाहिए, समाज के प्रत्येक विद्यार्थी को जुड़ना चाहिए, समाज के प्रत्येक युवा को जुड़ना चाहिए और सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विद्यार्थी परिषद ने इस अभियान को लिया है। उसी अभियान के रिलेटेड जो है आज हम लोग अपना पोस्टर लॉन्च हम लोग करने वाले हैं। तो अभी मैं रमणीक जी से आग्रह करूंगा कि एक बार पोस्टर देकर हम लोग इस कार्य